हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज मैं आ गया हूं उस क्वेश्चन के आंसर के साथ कि आखिर किसी मिस्सी के साथ चैप्टर 3 के एंड में क्या होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑफिशियल गेम में उसके साथ लास्ट में क्या होता है ना, तो उन स्पेकुलेशंस के ऊपर एक वीडियो ना, वो तो मैंने प्लैनेट यूजी रहस्य में बना दी है। बट आज इस चैनल पे ना गाइस, हम लोग ना फैन मेड वीडियोस देखेंगे। मतलब ये ऑफिशियल नहीं होंगी, किसी फैन ने बनाई होंगी। मतलब जैसे हम लोग फैंस हैं, ऐसी कोई बंदा फैन होगा, उसने अपने हिसाब से स्टोरी में आ गया है, वो क्या हो सकता है वो बना दिया। तो गाइस यार, मुझे आज अपनी फीड पे ना बगी हगी की वीडियोस दिखी, ये वाली वीडियो दिखी मुझे। फिर मैंने इसका चैनल चेकआउट किया तो मुझे याद आया कि मैंने गार्डन ओपन में 3 के टाइम पे भी, मतलब 5-6 महीने पहले कुछ, इसकी वीडियोस चेकआउट की थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना पॉपी प्ले टाइम वाली वीडियोस भी इसकी चेकआउट करते हैं। इसने अभी तक 2 गेम प्ले निकाले हैं चैप्टर 4 के, मतलब चैप्टर 3 के बाद क्या क्या होगा। इसने अभी तक 2 फैन मेड वीडियोस बना रखी हैं, वो चेकआउट करते हैं। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं बगी हगी की गार्डन ऑफ बनबन वाली भी निकाली है इसने, हाँ गाइस देखो, इसने गार्डन ऑफ बनबन भी बहुत सारी निकाल रखी है। 7, 6, 5 भी निकाला होगा, 4 भी निकाला होगा, हमने तो देखी ही नहीं, हमने तो बस 3 वाली देखी थी, वो मैंने फिर आगे को नहीं देखी थी ना गाइस यार। तो अगर तुम चाहते हो ना मैं वाली वीडियोस भी देखूं और ये सब वीडियोस पे भी रिएक्ट करूं, तो यार कमेंट्स में बता देना, मैं वो वीडियोस भी फटाफट लेके आ जाऊंगा। बाकी अभी फिलहाल ना फटाक से जाते हैं इस वाली वीडियो पे और चेकआउट करते हैं कि आखिर बगी हगी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 में क्या होने वाला है, मतलब किसी के साथ क्या हुआ, इसके आगे क्या सीन होने वाला है। तो क्वालिटी कर लेते हैं फुल और वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। आवाज क्यों नहीं आ रही? ईयरफोन्स नहीं लगाए थे, अब लगा दिए तब नहीं आ रही थी आवाज। तो यहाँ पे ओके, ऑल राइट, तो ये लास्ट का सीन है और इस टाइम पे ही किसी मिसी पे अटैक हो जाता है। ठीक है, क्या कर रही है वो, क्या कर रही है किसी मिसी पर अटैक हो गया उसके ऊपर, क्या जो कर रही है वो। आवाज थोड़ी सी कम करो, बहुत ज्यादा आ रही है। और हम उससे कह रहे हैं, और पॉपी हमसे कह रही है कि मैं, हम आ रहे हैं आ रहे हैं, उससे कह रही है किसी से। ओके, तो यहाँ तक तो वो गेम था पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3। ओके, तब देखो यहाँ पे बगी हगी लिखा आ गया ना, तो अब यहाँ पे से ना इसका फैन मेड वाला पार्ट शुरू हो गया, मतलब जो इसने बना रखा है। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, इस स्टोरी को ऑफिशियल मत समझना, ये खाली फैन मेड स्टोरी है। ठीक है, तो चलो उसके बाद हमसे पॉपी क्या कह रही है। पॉपी हमसे कह रही है, तो ये कह रही है कि हमारा आगे का टास्क हमें भूल जाना चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे पॉपी डिसाइड कर दे रही है कि ऊपर नहीं जाना है, हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ को, बट हम प्रोटोटाइप से ना आगे निकलेंगे और हम किसी को भी बचाएंगे। ये कह रही है ना, इसको एक सीक्रेट प्लेस पता है ट्रेन वाली जगह पे, किसी भी वहीं पहुंच जाएगी, ये भी वहीं पहुंच जाएगी, मतलब हमको ये वहीं लेके जाएगी। चलो भाई, इसको बहुत भरोसा है किसी मिसी के ऊपर, बट गेम में तो देखो चिल्ला रही थी, तो ये फैन मेड ही है भाई, असली में हो ही नहीं सकता, असली में तुम ऊपर ही जाएंगे मुझे लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है वैसे, तुमने प्लैनेट यूजर रहस्य वाली वीडियो देखी ना, उस पर अपनी थ्योरीज में जरा कॉमेंट करना, या यहाँ पे भी कॉमेंट कर सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि आगे को क्या होगा इस गेम में, किसी मिसी को पे अटैक किसने किया। इस पे भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पता है किसने किया, या तुम स्पेकुलेट कर सकते हो, तो ना कमेंट्स में बताना। फिलहाल अभी ये देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक रास्ते, तो मैं शॉर्ट रास्ते से ना ट्रेन डेपो में ले जा रही है, ट्रेन वाले एरिया में। तो कुछ स्माइलिंग ट्रेटर्स ने ना इस टनल को यूज करके इधर से भागने की कोशिश की थी, ऐसे ये बता रही है, बट अभी तक यहाँ से कोई नहीं भाग पाया है। ओके, क्या पता एक दो भाग गए हो, लेकिन अगर वो आएंगे यहाँ पे तो भाई फ्लेयर गन नहीं है बंदे पे, फ्लेयर गन होनी चाहिए थी ना इस पे, तो यार ये पर्पल हैंड को स्विच करेगा यहाँ पे, फिर फ्लेयर गन लाएगा और मार देगा उनको भाई, भगा देगा एटलीस्ट, मार भी नहीं पाएगा तो क्या दिक्कत है। ओके अच्छा, तो ये कह रही है कि जब यहाँ पागलपन हो गया था ना, फिर सब पगली गए थे, मतलब आरोजा वाला कांड हो गया था, तो उसके बाद ना इसको किसी मिसी दर पे मिली थी। देखो अभी ये याद रखना कि मैं बगी हगी की वीडियो देख रहा हूँ, तो हम इसी की थ्योरी ही देख रहे हैं। ठीक है, इसी की थ्योरी के हिसाब से बात करूंगा मैं, तो कोई चीज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि किसी ने ऐसा किया या इसे किसी यहाँ मिली थी, तो वो ऑफिशियल गेम में नहीं मिली थी, जो ऑफिशियल स्टोरी है उसमें नहीं हुआ था ऐसा, बस इधर ही हुआ था, इस वाली स्टोरी में हुआ था जिसे भी हम देख रहे हैं। बंदे ने बना अच्छी वीडियोज रखी यार। कौन भाई, वो भागती थी, तू भागती थी, फिर इसको किसी मिसी मिल गई थी, फिर उसके बाद से ना जब भी इन दोनों को ना ऊपर पे बहुत ज्यादा हॉरर लग रहा होता था, इनको ऊपर रहने मजा नहीं आ रहा होता था, तो ये लोग भाग के ना इधर पे आते थे और इधर पे छुपते थे किसी मिसी और पॉपी। ओके भाई, यहाँ पे लेकिन अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा ना, ट्रेन का रास्ता तो बंद हो गया बट वहां पे से, तो ये कह रही कि किसी मिसी भी यहीं आएगी इसलिए, क्योंकि किसी मिसी को जगह याद होगी। ओके ओके, तो अभी कह रहे कि सीढ़ियों के नीचे जाओ ना, सीढ़ियों के नीचे सेफ स्पॉट है शायद, इधर पे हो सकती है वो। ओके, हम उतर गए सीढ़ियों से नीचे, पॉपी नहीं आ रही कि नीचे, अच्छा भाई पॉपी भी आ गई। ओके, वो किसी भी पहुंच गई गाइस वहां, बटने किसी अजीब हो गई होगी मुझे लग रहा है, मतलब इस बंदे ने तो ये स्टोरी डाल ली होगी शायद से, नॉर्मल दिख रही थी ना किसी, एक बार दिखाओ कहाँ की, देखो एक बार ध्यान से देखो कैसी दिख रही है,
अरे कहाँ है किसी look, वो देखो नीचे की तरफ है। बट इसे उदास से क्यों हो रखी भाई, इसे डल से क्यों हो रखी है, मतलब थोड़ा सा खुशी वाली वाइब्स देती है यार, इतनी सैडनेस की वाइब क्यों दे रही है, उदास उदास की हो गई है। चलो बंदा नीचे की तरफ गया, पॉपी चिल्ला क्यों नहीं रही किसी किसी, ऊपर तो बड़ा चिल्ला रही थी किसी किसी, अभी क्यों नहीं चिल्ला रही है। ओके तो हम नीचे की तरफ गए। ओ सही तो है, सही तो है भाई, किसी कुछ नहीं हुआ किसी को, बट किसी के पीछे क्या क्या आ गए, स्मैलिंग क्रिएटर्स आ गए भाई। ओ भाई भाग किसी, भाग भाई, किसी पे पीटने लग गई ये बढ़िया है। ओ भाई बट क्या हुआ भाई, किसी को गिर गई। टू बी कंटिन्यूड भाई, इतने सारे स्मैलिंग क्रिएटर्स बट कितने सारे हैं देखो भाई, अगर गेम में हमारा इतने सारे सामना हो जाता ना, और बट मिलती फिर हमें ना एक बजूका मिलती या फिर एक शॉटगन मिलती है ना, फिर उड़ाया जाता है इनको बढ़िया से, या फिर फ्लेम थ्रोअर मिलता भाई, मैं जला देता इन सबके सबको। इसके बाद इस बंदे ने बना रखा है मीटिंग विद पीकी पीकी। ओके गाइस तो ये है बगी हगी की गेम प्ले 2 वाली वीडियो, और 1.5 मिनट तक तो इसने जो पिछले वाला ही पार्ट था ना वही वाली वीडियो दिखा रखी, उसके बाद क्या हो रहा है देखो। ओके किसी किसी के पास आ गई अनसेंट क्रिएचर्स, मतलब मिनी क्या था स्मैलिंग क्रिएटर्स। ओके बट लास्ट में गिर गई भाई भाई, लेकिन ये बग है कि पॉपी कैसी है भाई, हुआ किसी पिट गई है पूरा, कि लेकिन तब भी कह रही कि हम ऊपर को भागना होगा, बचाने के लिए नहीं कह रही। असली वाली पॉपी तो अच्छा मानती है यार किसी किसी को, वो थोड़ा ना करेगी उसके साथ ऐसा, बट ये वाली ओ भाई बास्केटबॉल फुटबॉल सारे गेम्स खेल दिए थे इसने, बट यहाँ पे गिर गई। अब यहाँ पे से पॉपी बोल रही है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो स्मेलिंग क्रिएटर्स है वो दीवार चढ़ने लग गए हैं भाई। ऐसी दीवार भी चढ़ देते हैं क्या ये गेम में, तो नहीं चढ़ते यार यहाँ वाले, इसके एनिमेटेड वाले थोड़े अलग से ना, इसके वाले चल जाते होंगे। तो ठीक है हम यहाँ से ऊपर की तरफ भागे, और किसी को ले जा रहे हैं भाई, अपने से मारा नहीं उसको, मारा नहीं, चलो हाँ उसको कहीं लेके जा रहे हैं। हाँ भागो भागो यार, इसको ले जाते ना पॉपी को, मजा आ जाता। ओके और हम भागे भागे, ठीक है भाग रहे हैं भाई, कितना भागेगा, और वो गायब क्यों हो गए भाई। ओके हम भाग के बच गए, बट किसी कहाँ है वही तो, किसी कहाँ गई, और वो वहाँ कैसे पहुँच गई। ओके आ गए भाई, ये भी आ गए। ओके हम यहाँ से भाग रहे हैं, दरवाज़ा इसने बंद कर दिया, इसके आर पार नहीं आ सकते, देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं भाई, ये अभी इस पे कूदेंगे गेट टूट जाएगा भाई। और पीछे पे मैं देख रहा था ना, ये पॉपी इतनी नीचे कैसे पहुँच गई इतनी जल्दी यार, यहाँ पे थी ना हमारे बगल में, यहाँ पे से ये, यहाँ से हम उधर को भागे और ये किधर पे से उतरी, हमने यहाँ से जंप मारा। अच्छा हम यहाँ पे उतरे तो तब तक ये वहाँ उतर गई होगी, मैं नहीं, बट फिर भी ना बहुत तेज उतरी भाई, इतनी तेज तुमने उतरती है। ओके ठीक है यहाँ पे से हम भागे थे ठीक है, हाँ दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। ओके फिर भाग रहे हैं भाई, छछुंदर की रेड़ भर गई है पूरी, बच गया भाई। ये क्या है भाई, ये पॉपी के साथ दूसरा कौन बना रखा है, ये मुझे लग रहा है ना ये बगी हैगी ने अपने ही फैनमेट कोई कैरेक्टर बना रखा होगा। अरे हाँ तो बोल कह रही, तेरी बात तो सुनी नहीं मैंने, बिल्कुल बाल बाल बच्चे। अभी कह रही कि मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि वो लोग किसी को कहाँ लेके गए, बट उसके लिए इसे ना थोड़ा एक टाइम चाहिए, जिस टाइम में एक नया प्लान बना ले। ओके बना प्लान, हाँ भाई बढ़िया लग रहा कार्डबोर्ड। ओके ये ओली, अच्छा अभी गेम वाला असली ओली नहीं है, ये बगी हगी ने ओली बना दिया है, और बगी हगी को लगता है कि ओली ऐसा दिखता होगा। ऐसे हो सकता है यार, जब हगी वगी के साथ किसी मिसी है, यदि पॉपी का भी तो कुछ ना कुछ क्या पता बनाया हो, पॉपी जैसा ही एक लड़का टॉय बनाया हो, जैसे पॉपी ने लड़की की टॉय बनाई थी इनने, वही ओली हमारे साथ बात कर रहा होगा क्या पता। क्या लगता है वैसे तुम्हें ओली है कौन, इसके ऊपर भी प्लैनेट जो रहस्य में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, बट तुम लोग ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरा बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि ओली कौन है भाई, है कौन आखिर ये ओली, ऐसे दिखता होगा क्या, ऐसे तो नहीं होगा वैसे यार क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, बट सही सोचा इस बंदे ने भी। ओके बहुत टाइम पहले, ओके तो इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये दोनों ना सिबलिंग्स थे, मतलब भाई बहन थे, और उसे जो ओली था उसे ना एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था केमिकल्स के साथ, और इसी वजह से और इसलिए ना वो लैब में बहुत ज्यादा जाता रहता था। बट एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। ओके और एक दिन ऐसा हुआ ना कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, फिर स्टाफ जो था उसको हॉस्पिटल ले गया, और डॉक्टर ने कहा कि ओली की आंखों में कोई दिक्कत हो गई, और केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा कोई, शायद से उसके फ्यूम्स या फिर धुआं हुआ इसकी आंख में घुस गया होगा, और शायद से ना तब से ये ब्लाइंड हो गया भाई, तब से इसकी देखने की शक्ति चले गई शायद से। नहीं गई। ओ नहीं, ओ I hear something delicious.
अरे ये क्या है, ये क्या है, अरे वो तो छोड़ो, वो छोड़ो, पहले इसकी वाली बात कंप्लीट सुनो। तो ये कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ तो ब्लाइंड नहीं हुआ भाई, वो ब्लाइंड तो मैंने बोल दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ओली को ना कुछ अपनी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और ये डॉक्टर ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ टाइम बाद रिकवर कर जाएगा। बट पॉपी कह रही कि उसको कभी वापस नहीं भेजा गया और उसने अपने भाई को कभी नहीं देखा दोबारा। तो क्या पता इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ओली को भी टॉय में कन्वर्ट कर दिया हो। और ये कह रही है कि और उसको छुपा दिया उनने और तब से उनको उसको देख नहीं पाई है। और पॉपी ना ओली से ना बात सिर्फ फोन के थ्रू ही कर पा रही है, कॉल पे ही कर पा रही है, वैसे बात नहीं कर पा रही जैसे हम करते हैं ओली से बात। बट जैसे ये लोग गप्पे मार रहे थे, ये बैल बैल करते हुए मुझे बहुत ज्यादा लजीज सुनाई दे रहा है। कौन बोल रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही है बता दिए। तो ये कौन आ गया भाई, ये आ गई तुम्हारी पिकी पिगी, पिकी पिगी जो स्माइलिंग क्रिएटर्स में से एक है। और अभी मैं प्लैनेटरी जो रहस्य से मैंने कहा इसके बाद में स्माइलिंग क्रिएटर्स के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैंने सारे के सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स की ऑफिशियल स्टोरी एक्सप्लेन करी है। इस चैनल पे तो हम फैनमेड वीडियोस देखते रहेंगे, बट प्लैनेटरी जो रहस्य में मैं जो वीडियोस लेके आता हूँ ना गाइस, चाहे वो किसी भी गेम से रिलेटेड हो, पॉपी प्ले टाइम से हो, गार्डन ऑफ बनबन से हो, उनमें मैं सिर्फ ऑफिशियल स्टोरी कवर करता हूँ। फैनमेड वीडियोस तो हम इस वाले चैनल पे ना गाइस देखते रहेंगे, क्योंकि जरा हम भी तो देखेंगे कि लोग क्या क्या थ्योरी सोच रहे हैं, लोगों के अकॉर्डिंग उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि गेम में आगे को क्या होगा। इस भाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिगी पिगी आ गया, आ गई, आ गया। तो इस भाई के अकॉर्डिंग आगे पे पिगी पिगी आ गया भाई, ये विलन चल रहा है। तो इसने तो स्माइलिंग क्रिएटर्स को ही उड़ना बना दिया है, चलो सही है। बट जब यहाँ पे इसको ले गए ना ये लोग किसी मिसी को, तो भाई नीचे भी रास्ता है, गड्ढा था क्या कोई जो किसी मिसी वहां चले गई, और ये ऊपर वाले अगर हमारे साथ साथ आए तो दरवाजा बंद होगा, अच्छा ये नीचे चले होंगे ना। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आई ना किसी मिसी, ये देखो किसी मिसी नहीं दिखी उसे, बट पीछे साइड पे मतलब पीछे पे स्माइलिंग क्रिएटर्स तो आए थे, वो देखो स्माइलिंग क्रिएटर आए थे। तो या तो यहाँ पे से कोई रास्ता वास्ता होगा और वो वहां से ना किसी मिसी को ले गए। बट गाइस यार आगे पे तो आ गया ये पिकी पिगी, अब इसके आगे क्या होगा ये तो जब बगी हगी आगे की वीडियो लेके आएगा मैं तब पता चलेगा। तो जैसे ही बगी हगी वो वीडियो अपलोड करेगा हम लोग फटाक से उस वीडियो को देख लेंगे। सो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हारी वीडियो मिस ना हो जाए। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।